हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉपलॉस एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन ऑन निफ्टी पे चर्चा। जैसे कि आप देख सकते हो, आज की ये ओपनिंग काफी फ्लैटिश ओपनिंग थी। निफ्टी ने अपनी ओपनिंग लगभग अपना जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था हमारा, वो कि लगभग 18,120 उसी की रेंज के आसपास आज की ओपनिंग हुई थी। और लगभग आज मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही एक अपना सपोर्ट बेस बनाते हुए अपना सपोर्ट फॉर्मेशन किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रेंज जो कि मैं काफी बताया भी था आपको पिछले सेशन में कि 18,100, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे चले भी जाता है तो इमीडिएट तौर पे 18,050 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। अगर आज का लो देखो, या फिर आज का जो लोएस्ट पॉइंट है जो निफ्टी ने बनाया है, वो लगभग उसी रेंज के आसपास है, 18,080 के आसपास। तो मार्केट ने अपना एक बेस फॉर्मेशन किया जो कि प्रीवियस डे का जो लो था उसी के आसपास, एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने अपना पोजीशन अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया और काफी हद तक मार्केट आज पॉजिटिव नोड पे ही था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मॉर्निंग का जो फर्स्ट सेशन था, मीन्स मॉर्निंग का जो हाफ सेशन था, जो 11 11:30 बजे तक का जो सेशन था, उसमें 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 निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम गेन कर लिया। तो लगभग हमारा 18,150 के लेवल के आसपास आके एक सस्टेन करने की कोशिश की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, काफी देर तक मार्केट उसी रेंज में सस्टेन करता रहा। तो अभी कल के सेशन के लिए ये वाला जो लेवल है काफी इम्पोर्टेंट लेवल बन के आएगा, लगभग हमारा 18,150 का लेवल। जब तक के मार्केट अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि फिलहाल मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है। अगर मार्केट इसके नीचे को ब्रेक डाउन दे जाता है, कल की ओपनिंग इस रेंज से नीचे हो जाती है, तो फिर से हम वापिस से ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पर मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। अब रही बात ऊपर की, जिस हिसाब से मार्केट ने इस बेस पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने अपना अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू किया, और सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो कि अब हमारे अब तक के सेशन में जो निफ्टी के लिए था 18,200 का लेवल, उसको अच्छा खासा उसके ऊपर थोड़ा क्लोज किया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 18,208 210 के आसपास की अच्छी क्लोजिंग है। तो जो लेवल के ऊपर क्लोज दिया है मार्केट ने, काफी पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा इस चीज के लिए। अगर मार्केट कल के सेशन में भी 18,200 का लेवल के ऊपर ट्रेड करती है और वहीं पे सस्टेन कर जाती है मॉर्निंग के सेशन में, तो शायद तक हम कल के सेशन में 18,300 18,350 के लेवल हमको देखने मिल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन, 18,200 का लेवल काफी मेक और ब्रेक लेवल बना रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है तो फिलहाल वापिस से हम ऊपर की तरफ भी ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम नीचे के तरफ के ट्रेड टेक्निक पुश करेंगे और उस हिसाब से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो लेवल बताया, फिर जो भी आज का प्राइस एक्शन हुआ उस हिसाब से हो गया। अगर मैं आज का डाटा देखूँ, ओवर डाटा भी आपको क्लियरली बता रहा है कि कल के सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारा 18,200 का लेवल। जैसे कि आप देख सकते हो, आप 18,200 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों हो रखी है आज के सेशन में। बस ये एक लेवल थी जिसके पास, मतलब जिसपे दोनों दोनों तरफ की ऑप्शन राइटिंग हुई है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन राइटिंग हुई है उस हिसाब से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि हमारा 18,200 एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। अगर निफ्टी कल इसके ऊपर ट्रेड करे तो ऊपर की तरफ के टारगेट लगभग 18,300 तक के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दे तो हमारे लिए 18,100 और 18,050 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है, मार्केट इस पॉइंट या इस लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है डाउनसाइड के लिए। तो कल की रेंज निफ्टी के लिए काफी सीमित दायरे में रह सकती है, 18,100 लोअर रेंज हो गई और 18,300 अपर रेंज हो गई। मार्केट इसी रेंज में शायद मार्केट कल ट्रेड कर सकता है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी कल के सेशन के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, फिर ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, तो 18,300 18,350 के लेवल देखने मिल सकते हैं। और रही बात नीचे की तरफ, तो 18,050 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कल के सेशन में एक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी कल का सेशन। अगर मार्केट को अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो 18,200 के ऊपर भी क्लोजिंग सस्टेन करना बड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर या फिर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, फिर 18,100 या 18,050 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाता है, तो फिर से हम मार्केट को 17,400 17,500 के लेवल तक जाकर जाते हुए देख सकते हैं। तो जब तक कि 18,200 के लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा, काफी पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये लेवल सारी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करते हुए चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है,
साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट अपडेट करते हैं या फिर जो भी रिलेटेड न्यूज़ रहती है वो मैं यहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करता हूँ, तो आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी हमारे कई इंफॉर्मेटिव वीडियोज है, आप वहाँ पे भी हमें एक स्टडी एजुकेशनल पर्पज उसको आप पढ़ सकते हो। सो यस, सो थैंक यू, लेट्स सी टुमारो व्हाट्स हैपन।